आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है, कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता के जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है, खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है, तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में ये नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है।